को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ये पीरियड 3 से 6 कराए। तो ये बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हिंदी के बारे में इतना सोचा, और हिंदी साहित्यकारों के सम्मान में आपने अनेक समारोह आयोजित किए। सन 1980 में ही हिंदी साहित्य मंच की आपने स्थापना कर ली थी और उसके माध्यम से आपने हिंदी की बहुत सेवा की है। आप हिंदी के प्रति समर्पित रहे हैं और कैथल आरकेएसटी कॉलेज से सेवानिवृत्ति के पश्चात आप हरियाणा एकादमी ग्रंथ एकादमी के निदेशक रहे और वहाँ भी आपने हिंदी के लिए काम किया। बहुत कम समय में इतना काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान है। मैं पुनः आपका आज के इस व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आपके वक्तव्य से पहले मैं थोड़ा सा प्रवासी हिंदी साहित्य के जो बिंदु हैं वो सबके सामने रखना चाहती हूँ कि ये विषय हमने क्यों चुना। हिंदी अपने आप में बहुत सारे ताकत रखती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब बोली जाती है, और भारतीय जो बाहर जाता है वो भाषा को साथ लेकर जा रहा है, वहां पर भी बहुत काम हो रहा है। लेकिन ये प्रवासी हिंदी साहित्य हमारी भाषा को कितना सशक्त कर पा रहा है, हमारे साहित्य को कितना उपकार कर पा रहा है और इससे हिंदी को कितना फायदा हो रहा है, या हम हिंदी जगत के लोग इससे कितना अधिक और लाभान्वित हो सकते हैं, हम कहाँ खड़े हैं और इसके बाद हम हमारी जो वो मार्ग है, हमारी जो मंजिल है वो कहाँ तक है। तो इन सारे विषयों पर आज के मुख्य वक्ता विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय दत्त जी प्रकाश डालेंगे और हम उनके उनको सुनने के लिए तैयार हैं। मैं उनके वक्तव्य के लिए उन्हें आमंत्रित करती हूँ, आदर आमंत्रित करती हूँ कि वह अपना वक्तव्य हमारे सामने रखेंगे। डॉक्टर विजय दत्त शर्मा जी। डॉक्टर विजय शर्मा, सनातन धर्म महाविद्यालय अम्बाला छावनी, जो कि हिंदी का एक प्रकार और सशक्त केंद्र रहा है। ऐसे केंद्र और ऐसे महाविद्यालय से हिंदी के एक नए आयाम पर चर्चा का आयोजन करना महती विशिष्टता है। डॉक्टर विजय शर्मा, वस्तुतः हिंदी के आज जितने पंख फैले हुए हैं, उतने फैले हुए पंखों का एहसास हिंदी जगत के लोगों को बहुत कम है। इसलिए जिस विषय के प्रति हमारे मन में स्वाभिमान होगा, सम्मान होगा, जो हमारी अस्मिता का प्रेम बिंदु होगी, मानी जाएगी, वह विषय हमें और अधिक ऊर्जा का संचार करता है कि हम उसके संरक्षण संवर्धन प्रचार प्रसार के लिए कार्य करें। अब मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। नंदकिशोर जी की बात चली है, मेरे मुँह से नंदकिशोर नहीं नंदकिशोर जी निकल रहा है। हमारे प्रथम जो बैच था 76 से 78 का, उसमें नंद किशोर के बारे में ये कहा जा सकता है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे रहे थे, और इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारे प्रथम सत्र में ही, प्रथम वर्ष में ही विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड तोड़ा था, पहले बैच में ही 75% के करीब अंक आए थे और वह रिकॉर्ड बहुत समय तक स्थिर रहा, जमा रहा। इसलिए ऐसे विद्यार्थी, ऐसे प्राध्यापक का किसी भी महाविद्यालय में जाना उस महाविद्यालय का सौभाग्य है। उस सौभाग्य का लाभ सनातन धर्म महाविद्यालय ने भरपूर उठाया भी है, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं विषय पर आता हूँ, प्रवासी साहित्य। ये नाम पिछले 50 वर्ष से चर्चा में आया और इसका सृजन भी बहुत पुराना नहीं है। 100 वर्ष के करीब इसके साहित्य सृजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। साहित्य की जो मूलभूत परिभाषा है, प्रखर परिभाषा है, सहितेन इति साहित्यम, जो हित साधन करने में समर्थ हो वह साहित्य है। और ये साहित्य हित साधन करता है, लोगों की आंख खोलता है, लोगों के कान खोलता है, लोगों को विवेक देता है, लोगों को संस्कार देता है, लोगों को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है।
करता है, आत्मगौरव देता है। यह साहित्य भारतवर्ष में अनेक वर्षों से लिखा जा रहा था और सुचारू रूप से संपादित कर रहा था, लेकिन एक जब से विश्व सम्मेलनों का प्रारंभ हुआ है 1976 से, तब से विश्व के अन्य देशों में भी, मॉरिशस में दूसरा ही विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, और वहां जाकर के जो आम हिंदी विद्वान का, आम हिंदी विद्यार्थी का, आम हिंदी शुभचिंतक का आम हिंदी विद्वान और विद्यार्थी का उससे संपर्क आया, और उस समय हिंदी ने जो अपने नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया रूप, नई प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उससे पूरा भारतवर्ष हतप्रभ रह गया। प्रवासी साहित्य वह साहित्य है जो बाहर रहने वाले विद्वानों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा लिखा जाता है। ये बाहर रहने वाले कहाँ, क्योंकि प्रवास का अर्थ है घर से बाहर। अब ये घर से बाहर अर्थात देश से बाहर जो लोग बैठ करके साहित्य सृजन कर रहे हैं, उनके साहित्यिक प्रतिभा को देखने का एक अवसर मिला। इसमें यूरोपीय देशों में अमेरिका, कनाडा, रूस इत्यादि देशों में प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन चल ही रहा था कि इसी बीच में जब साहित्य सम्मेलन हुए, विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन हुए, तो मॉरिशस, फिजी और सूरीनाम, और चौथा नाम ले सकता हूँ त्रिनिडाड, इनमें जब सम्मेलन हुए तो वहाँ की प्रतिभा को मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिला और मुख्य धारा को अपनी उपधारा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए ये साहित्य जो विश्व के विभिन्न देशों में रचा जा रहा है, वो समग्र रूप से, समेकित रूप से प्रवासी साहित्य कहलाया। लेकिन कुछ दिन बाद ये सोचा कि भाई ये जो साहित्य सृजन हो रहा है, इसमें दो धाराएं अलग दिखाई देती हैं, और वो धारा एक एक जो जड़ों से जुड़ने के लिए लालायित रहती है, जो अपनी जड़ों से प्रभावित है, जो अपनी जड़ों को अपनी अस्मिता का मूल बिंदु मानती है, और दूसरा जो यूरोपीय देशों में लिखा जा रहा था, वह वहां के वैभव को अपने साहित्य में डाल रहे थे और भारतीय अस्मिता को जहां भी चोट पहुंचती थी, घात पहुंचता था, उस सबको भी रेखांकित करने का काम। इसलिए जो पीढ़ियों से भारत से बाहर रह रहे हैं, 3-4-5 पीढ़ियां जिन्होंने अन्य देशों में रह के गुजार दी हैं, उन लोगों का साहित्य प्रवासी साहित्य से थोड़ा सा अलग, आप्रवासी। आप्रवासी आ लगता है संपूर्णता के लिए, आजीवन, आकंठ। इसलिए जो भारत को देश करते हैं और अपने जहां रह रहे हैं, पीढ़ियां गुजरी हैं, जन्म लिया है, उस देश को इस प्रकार के लोगों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वह आप्रवासी साहित्य। यह आप्रवास का प्रारंभ मुख्य रूप से 1834 में होता है, तब इंडिया के अधिकारियों ने सरकार के उपनिवेशित देशों में, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद वगैरह में भारतीय मजदूर भेजे थे, और वो एक एग्रीमेंट के अंतर्गत जाते थे कि आप वहाँ 2 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, वहाँ सोने की प्राप्ति होती है, और इस मोह में, इस भ्रम में वे सब यहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ जाकर के उन्हें जो कुछ देखना पड़ा, जो कुछ करना पड़ा, जो कुछ भी सहना पड़ा, वह एक लोमहर्षक गाथा है। वहां जाकर के देखा तो वहां पत्थर को रेत बनाना था। मॉरिशस में गए हुए व्यक्तियों ने पत्थरों को तोड़ तोड़ करके रेत बनाया है, और वहां पर कितने अमानवीय अत्याचार हुए हैं, उनकी अस्मिता को धूमिल करने का प्रयत्न किया। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां पर भारतवंशी जब गए थे, तो उन्होंने वहां बैठ करके वो अपनी हिंदी को और अपनी संस्कृति का सहज सहज रूप से स्मरण करते थे। तो जंगल में जाकर के बिना रोशनी के, बिना प्रकाश के ही वे रामचरितमानस की चौपाई गाना, रामचरितमानस गाना, हिंदी को दोहराना, हिंदी का स्मरण करना आदि आदि का कार्यक्रम
मनोरंजन और ज्ञान रंजन के लिए वो किया करते थे। जब वहां के जो शासक थे, जो मालिक वर्ग था, उन्हें जब पता चलता था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर अपने जंगली कुत्ते छोड़ दिया करते। वो रात को उन्हें भंबोल करके खा जाते थे और फिर सुबह घाव जैसे तैसे वो पूरे करते थे। अर्थात कितने विरोध के बीच में, हिंदी का विरोध है, हिंदुत्व का विरोध है, भारत का विरोध है, भारतीयता का विरोध है, क्योंकि नौकर तब तक नौकर रहेगा जब तक वह स्वाभिमान से ही स्वाभिमान युक्त व्यक्ति कभी भी नौकर नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए, अपनी अस्मिता के गौरव को स्मरण रखने के लिए जो साहित्य सृजन करना शुरू किया, वही अप्रवासी भारतीय। इसलिए कहने का आशय है कि ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जाननी। विश्व में प्रवासन सदैव रहा है, अर्थात एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आने जाने की प्रक्रिया सदैव रही है। यह प्रवासन दो तीन प्रकार का हो सकता है। एक है साम्राज्यवादी प्रवासन, अर्थात बड़े बड़े साम्राज्य, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, डच है, ये सब दूसरे टापुओं पर दूसरे अविकसित देशों में जाकर के अपनी व्यापार, अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपने धार्मिक प्रचार करने के लिए जाते रहे। दूसरा है विक्षेपीकृत प्रवासन। विक्षेपीकृत प्रवासन वो कहलाता है जब व्यक्ति अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपनी आजीविका के लिए अपने देश को छोड़कर के किसी दूसरे देश में जाता है। भारतवर्ष के लोग अमेरिका, ब्रिटेन आज भी जा रहे हैं, पहले भी जा रहे थे, काफी समय से जा रहे हैं। तीसरा है पीड़ित प्रवासन, अर्थात जो एक देश में पीड़ित होते हैं तो वो उस देश को छोड़कर के दूसरे देश में। इसका ज्वलंत उदाहरण आज हमारे पास अफगानिस्तान की स्थिति सामने आ रही है। वो लोग, वहां के लोग दूसरे देशों में जाके शरण ले रहे हैं। और चौथा है श्रमिक प्रवासन। श्रमिक प्रवासन का अभिप्राय है जो पिछड़े देश हैं उनके मजदूर वर्ग को लेकर के वो दूसरे टापुओं पर, दूसरे छोटे देशों पर जाकर के उन्हें बसाने, उन्हें विकसित करने के लिए ले जाते हैं। मैं जिस वर्ग, जिस प्रकार के प्रवासन की बात कर रहा हूं वह यही श्रमिक प्रवासन है। कलकत्ता में छोटे छोटे एजेंट होते थे, वे गांव में सूचना देते थे कि एक ऐसा देश है जहां जमीन से सोना निकलता है और यदि आप वहां जाएंगे तो आपको सोने की प्राप्ति होगी, सोना आपको मिलेगा। 5 वर्ष का एग्रीमेंट करते थे। एग्रीमेंट से ही गिरबिटिया शब्द बना है। एग्रीमेंट करते थे कि वहां को इतने दिन रहोगे, इतने रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा, 5 साल बाद आप अपना संपन्नता के साथ बाहर वापस भारतवर्ष आ जाएंगे। तो इस स्थिति में तो ये जो अप्रवासी हैं उनके धीरे धीरे पीढ़ियां। लेकिन लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा है कि प्रवासी अपनी संस्कृति साथ लेकर चलता है, अर्थात उसके पास और कोई पूंजी हो या ना हो, कपड़े कहीं भी मिल जाएंगे, भोजन कहीं भी मिल जाएगा, साधन कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन जो हृदय में, बुद्धि में सांस्कृतिक गौरव है, सांस्कृतिक स्वाभिमान है, सांस्कृतिक अस्मिता है, सांस्कृतिक पहचान है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल वो तो उसकी पूंजी होती है जो उसके मन मस्तिष्क में रहती है। इस पूंजी को लेकर के गए, कैसी विडंबनापूर्ण स्थितियों में रहे, इसका मैंने हल्का सा संकेत किया है। अप्रवासी साहित्य औपनिवेशिक देशों में भेजे गए श्रमिक भारतीयों के द्वारा रचा गया है। इनमें सबसे पहले मॉरिशस में ये साहित्य सृजन शुरू हुआ। मॉरिशस में 1834 में भारतीय गए और वहां पर धीरे धीरे अपनी लोक भाषा में, भोजपुरी में वो पुराने गीत गाते थे, उन्हीं को लिखते थे, उन्हीं को सुनाते थे, उन्हें बजाते थे, उन्हीं पर नाचते थे। यह स्थिति धीरे धीरे 30-40 वर्ष में इस स्थिति तक आगे कि वहां पर कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। रसपुंज एक कवि हैं, उन्होंने होली के ऊपर कविता लिखी थी और उस होली की कविता का महत्वपूर्ण, उसमें भी उन्होंने अपने पर्वीय और सांस्कृतिक चेतना का ही स्मरण किया है। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम
आ जाते हैं उस स्थिति पर जब हमारे सामने एक सुदृढ़ और सशक्त साहित्य हमारे सामने आता है। जैसा कि बताया गया कि प्रवासी साहित्य में अस्मिता का गौरव, अस्मिता का भाव, अस्मिता की चेतना, अस्मिता के तीन बिंदु होते हैं। एक अपने सांस्कृतिक गौरव का याद स्मरण रखना, दूसरा अपने सांस्कृतिक गौरव की रक्षा करना, और तीसरा अपने सांस्कृतिक विलोपन से अपने आप को बचाना। मित्रों, निश्चय ही प्रारंभ के 10-15 वर्ष ऐसे रहे जो भारतवर्ष के प्रवासी भारतीयों ने अपने सांस्कृतिक अस्मिता का स्मरण रखा था। लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, मॉरिशस स्वतंत्र भी हो जाता है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद वहां धीरे धीरे राजनीतिक चेतना ने वहां पर सांस्कृतिक रक्षण की स्थिति की नौबत ला दी है। वहां पर क्रियोली समाज है, क्रियोली भाषा है, क्रियोली समाज और क्रियोली भाषा का ऐसा प्रकोप, ऐसा प्रभाव, ऐसा दुष्प्रभाव हिंदी पर पड़ने लगा कि इससे वहां का जो सचेतन मानस है, हिंदी कवि है, हिंदी साहित्यकार है, वह आर्तनाद कर बैठा। तो मॉरिशस के साथ जैसे कि मैंने बताया तीनों देशों में, मैं उनकी थोड़ी थोड़ी चेतना का यहाँ संकेत जरूर करूंगा। वह है सबसे पहले फिजी के कवि हैं एक पंडित कमला प्रसाद मिश्र। देखिए, भारतवर्ष का व्यक्ति अपने आप को किस संस्कृति से, किस ऊर्जा से, किस स्वाभिमान से, किस गौरव से जोड़ता है। उनकी कविता की पंक्तियां हैं, हम हैं अमर तरु के फूल, ओ विश्व तेरी गोद में युग से रहे हैं झूल, हम हैं अमर तरु के फूल। अमर तरु अर्थात अजर अमर संस्कृति है, हम उसके जीव हैं, हम उसके व्यक्ति हैं, हम उसके मानस हैं, हम उसके अवशेष हैं, हम उसके धरोहर हैं। हर्ष हो या क्लेश ही हो, हर्ष हो या क्लेश ही हो, देश या परदेश ही हो, हम चले लेकर हृदय में सुरभि सुषमा सूर, हम हैं अमर तरु के फूल। इसमें तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम चले लेकर हृदय में सुरभि सुषमा सूर, भारतीय संस्कृति के सुषमा को भारतवर्ष का व्यक्ति जहां भी जाता अपने साथ लेकर के जाता है, अर्थात उसके अच्छाइयों को, उसकी श्रेष्ठताओं को, सुषमा उसके सौंदर्य को, और तीसरा सूर अर्थात हम अपने हृदय में स्थानीय संस्कृति के शूलों की भी चुभन को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, पीड़ित होते हैं। तो सांस्कृतिक गौरव का भी बोध है, उसके रक्षण का भी प्रयास है, और उसके प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जो वेदना है वो भी उनके साहित्य में, उनके मन में सदैव विद्यमान रहती है। मधुकर जी ने भारतीय संस्कृति, मॉरिशस के राष्ट्रकवि कहलाते हैं, भारतवर्ष में उनका बहुत माना जाता था, यहाँ तक कि उनकी बिटिया गोमती मधुकर दिल्ली से ही डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी के यहाँ रह करके, और उसने वहां से दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी PhD का कार्य पूरा किया था, तो उन्होंने भारतवर्ष की महिमा बहुत गाई है। कई कविताएं हैं, अनेक कविताएं हैं उनकी, उनमें से एक कविता को मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत की महिमा न्यारी है, न्यारी इसकी सारी बातें, संस्कृति इसकी न्यारी है, शांत दया की रीति सिखाना, सबसे निस्दिन प्रीति बढ़ाना, मानव की सेवा करने की राहें इसकी न्यारी हैं, भारत की महिमा न्यारी है। दुश्मन का भी स्वागत करना, मेल मिलाप सभी से करना, सत्य अहिंसा पर मिटने की बोली इसकी न्यारी है, भारत की महिमा न्यारी है। लंबी कविता है, और यही जो भारतीय संस्कृति के गुण हैं, प्राचीनता है, सहिष्णुता है, सद्भाव है, वसुधैव कुटुंबक की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, वो सब इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद सूरीनाम के कवि हैं एक मार्टिन हरिदत्त की कविता है। सूरीनाम में भाषा जो वहां के अब हिंदी कहलाती है, उसमें हिंदी और सरनामी का समावेश हो गया है, मिलजुल गए हैं, और उसी हिंदी के प्रति वो कितने श्रद्धानवत हैं। सरनामी देवी
तो बेदाग भारतीय कलि, सरनामी भाषा को उन्होंने भारत की मूल भाषा हिंदी से जन्मी भाषा माना है, बताया है, सिद्ध किया है, और उसी सरनामी भाषा के ऊपर कह रहे हैं, सरनामी देवी तू बेदाग भारतीय कलि, मनोहर और आकर्षक सरना उपवन को तुम अपनी मुस्कुराहट से भरती, फूल सी तुम पार्वती, जहां भी प्रतीक होंगे, बिंब होंगे, उपमान होंगे, वो सारे भारतीय होंगे इनके पास, फूल सी तुम पार्वती, कमल सी तुम कोमल पार्वती, तुमको पतझर छूता नहीं, तुमको पंख दूषित करता नहीं, कहने का अभिप्राय तो ऐसी संस्कृति है भारतवर्ष जो सरनामी भाषा में व्यक्त हो रही है और जो सरनामी भाषा के माध्यम से सबको पुष्पित पल्लवित और उनको सहृदय बनाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सूरीनाम में भी यही भाव, यही मनोभाव, यही चेतना देखने को मिलती है। इसके बाद है एक फिजी, एक तीसरा देश है। देखिए थोड़ा सा मैं भौगोलिक थोड़ा सा बतला दूं, भारतवर्ष से 5-6 हजार किलोमीटर दूर हमारे ठीक नीचे मॉरिशस है, भारतवर्ष के 16 हजार किलोमीटर दूर फिजी है पूर्वी दिशा में, और भारत से 16 हजार किलोमीटर दूर अमेरिका के जड़ में बहुत सारे द्वीप हैं, उन सब द्वीपों को मिलकर के उन्होंने वेस्ट इंडीज कहा है, उनको उसमें से एक सूरीनाम है। तो ये एक प्रकार से पूरे भारत, पूरे विश्व का एक नक्शा हमारे सामने आता है, भारतवर्ष बीच में है, उससे नीचे मॉरिशस है, उसके पश्चिम में सूरीनाम है और उसके पूर्व में यानी कि फिजी है। तो उसमें ज्ञानी दास वहां के कवि हुई हैं, उन्होंने क्या कहा है, भारतीयता पर कितना गौरव अनुभव किया है। एक बीच में बात कह दूं, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, हो जाए तो सोना है, अर्थात भारतीय संस्कृति इतनी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होती भारतीय को, जितनी भारत से बाहर जाने वालों को प्रतीत होती है। मैं फिजी का एक उदाहरण दूं, हमारे मित्र डॉक्टर बाबूराम फिजी गए थे, तो वहाँ भारतवर्ष के लोगों को जाकर छू छू करके देखते हैं कि हम भारतीयों से मिल रहे हैं, जैसे कि किसी को भगवान राम, भगवान राम कृष्ण के स्पर्श का मौका मिल रहा। वो वर्ष में एक दिन समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और भारतवर्ष की ओर मुंह करके ईश्वर से कामना करते हैं कि कम कब हमें अपना देश देखना मयसर होगा, उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार के जहां अंतरंगता अनुभव की जाती हो, आत्मीयता अनुभव की जाती हो, भारत को अपनी अस्मिता का केंद्र माना जाता हो, उस भारत के विषय में वहां का फिजी का कवि ज्ञानी दास क्या कहते हैं, भारत का खून है हमने, फिजी में जन्म लिया है कुछ कर्तव्य हमारा, देश देश में पले हैं, अवसर मिल जाए चला देंगे अभिमन्यु जैसा तीर, हम हैं फौज फिजी, यानी कि अपने स्वाभिमान को भी याद रखा है और अपने मातृ देश के प्रति कर्तव्य बोध भी उनमें प्रखर है, अर्थात वो फिजी वीर बनकर के वहां की सेवा, वहां की सुरक्षा, उनका वहां का विस्तार, वहां का आकार प्रकार में निरंतर सहयोग कर रहे हैं। पीड़ा, जैसे जैसे भारतवंशी वहां पीड़ा के साथ रहते रहे प्रवासी देशों में, अप्रवासी देशों में, धीरे धीरे उनकी उपेक्षा होने लगी, धीरे धीरे उनमें भी आपसी विघटन सा प्राप्त दिखाई देने लगा, राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से। ऐसी स्थिति में वहां का जो कवि है वो कहता है, महेश राम जियावन ने कहा है, हम जैसे थे वैसे ही रह गए, मेरे परदादा कुली नहीं जन्मे थे, कुली बनकर के गए थे यहां, मेरे परदादा कुली नहीं जन्मे थे, कुली बनकर रह गए, उनको सोने की तलाश थी, सोने की, मैं पहले संकेत कर चुका हूँ, एग्रीमेंट करने वालों ने जो ब्रिटिश सत्ता के एक प्रकार से प्रचार करने वाले थे, वो कहते थे वहाँ सोना निकलता है खेतों में, वहाँ से सोना लेकर क्या हो गए, कुली बनकर गए थे, उनको सोने की तलाश थी, माटी उनके हाथ लगे, वे माटी के बनकर रहे और वो उनका जीवन धूल धूसर हो गया, मेरे पापा कुली जन्मे रक्त और पसीने से, बंजर भूमि में हरे भरे ईख उगाए, उन्हें गुड़ का स्वाद न मिला, वे खेतों के बनकर रह गए। वहां जितनी भी आर्थिक प्रगति की भारतवंशियों ने जाकर के, भारतीयों ने जाकर के, या मजदूरों ने जाकर के, लेकिन उनके जीवन में किंचित भी विकास नहीं हुआ प्रारंभ में,
वे केवल किसान बने रहे, मजदूर बने रहे, भूमि को समतल करते रहे, भूमि को रेत में बदलते रहे, मिट्टी में बदलते रहे, लेकिन उन्हें अपने जीवन में कोई प्रकाश देखने को नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति अर्थात कर्तव्य बोध भी भारतीय व्यक्ति में, जो कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जिस देश में रहते हैं, जिस मिट्टी का खाते हैं, उसके प्रति अपना दायित्व मानते हैं, कर्तव्य मानते हैं। तो ऐसा ही ज्ञानी दासी के इस कविता में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ भी सही, ये पीड़ा तो उन्हें निश्चित रूप से परेशान करती ही है, और परेशानी तो तब ज़्यादा बढ़ गई जब धीरे धीरे भारतवंशियों को उन देशों का मूल नागरिक या स्थायी नागरिक या समाज सम्मानित नागरिक मानने से मना तक किया जाने लगा। मैं आपको स्मरण करूंगा, 30 वर्ष पुरानी बात है, महेंद्र सिंह थे जो रोहतक जिले के थे, वो फिजिकल राष्ट्रपति थे, लेकिन धीरे धीरे वहां भारतवंशियों की संख्या थोड़ी सी कम हुई तो उन्हें अपदस्थ कर दिया था। यही स्थिति मॉरिशस में भी हुई है, यही स्थिति सूरीनाम में भी है। और इस पीड़ा को कमला प्रसाद मिश्र जो फिजिक के कवि है, ये कमला प्रसाद मिश्र बीच में आकर के और फिर जाकर के मॉरिशस तो फिजिक में जाकर के रहने लगे थे। उन्होंने इस पीड़ा को कि उन्हें अपने उस देश का नागरिक ही नहीं मान रहे, सर्वस्व समर्पित कर चुके हैं, संस्कृति, श्रम, कर्तव्य, दायित्व, सब कुछ, लेकिन उससे कहो तुम यहाँ के हो ही नहीं। तो उस पीड़ा को कविता का नाम है क्या मैं परदेशी हूं। धवल सिंधु पर मैं बैठा अपना मानस बहलाता, फिजी में पैदा होकर भी मैं परदेशी कहलाता। शब्द शब्द ही हैं, लेकिन शब्दों के अंदर जो मर्मांतक पीड़ा है उसे समझने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से हृदय विदारक दृश्य सामने, भाव सामने। यह है गोरी नीति, मुझे सब भारतीय अब भी कहते, यद्यपि तन मन धन से मेरा फिजी से ही है नाता, भारत के जीवन से फिजी के जीवन में अंतर है, भारत कितनी दूर वहां पर कौन सदा जाता आता, अर्थात कौन जाता है। ठीक है, भारतवर्ष हमारा पितृदेश है, लेकिन मातृभूमि तो हमारी फिजी है, और यहाँ के लोग हमें अपनी मातृभूमि मानने से भी स्वीकार नहीं देते, सहमति नहीं देते हैं। तो औपनिवेशिक नीति गरल है, विश औपनिवेशिक नीति गरल है, नहीं उसे जीने देती, वे उससे ही खुश रहते हैं, वो उससे ही, फिर भी वो बेचारे वहां प्रसन्न है, चलो हम यहाँ का मानो ना मानो, लेकिन अब हम यहाँ रह रहे हैं तो चलो, वे उससे ही खुश रहते हैं जो उसको यश है गाता, भारतीय वंशज पग पग पर पाता है केवल कंटक, जंगल को मंगल करके भी दो क्षण चैन नहीं पाता, जंगल को मंगल करके भी दो क्षण चैन नहीं पाता, साहस है हम सब सहले, साहस है हम सब सहलेंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, पता नहीं कब गति बदलेगा, काल चक्र जग कातराता। तो इस प्रकार से उपेक्षा, अपमान, अवहेलना को भारतवंशियों को वहां सहना पड़ता है, और उन असंख्य भारतवासियों की वाणी वेदना को जो कवि है वही केवल वाणी दे सकता है, स्वर दे सकता है। इसी संदर्भ में लेकिन कब तक शांत रहेगा, कहाँ कहाँ तक शांत रहेगा, कितना शांत रहेगा, ये प्रश्न जब खड़ा होता है तो मॉरिशस के कवि का अधिकांश लोगों ने नाम सुना होगा, साहित्यकार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनका लाल पसीना अनेक भाषाओं में रूपांतरित हो चुका है, अनुवादित हो चुका है, आक्रोश कितना है उनमें, और वो अपने आक्रोश को जिस कविता में व्यक्त करते हैं वह कविता है स्वयं, उसका नाम ही आक्रोश है। देखिए वहां के भारतवंश कितने भारत को वहां स्थापित करने के लिए लालायते रहते हैं। वहां पर एक पर्वत है, उस पर्वत का आकार जो है मुड़िया जैसा, सिर की मुंडी जैसा, और उसे मुड़िया पर्वत कहा जाता है। वहां पर एक तालाब था जिसे परितालाब कहते हैं, उस परितालाब में गंगा जल डाल करके उसे अब गंगा तालाब कहा जाता है। यहाँ जैसे कांवड़ लेकर के आते हैं शिवरात्रि से पहले, ऐसे ही वहां पर उस गंगा तालाब से कांवड़ लेकर के हिंदू जनमान जो है वो अपने अपने गांव के शिव मंदिर पे जल चढ़ाता है। वहां के प्रत्येक घर के सामने तुलसी का एक पौधा होता है, तुलसी का एक चबूतरा होता है। मैं बीच में ही बात याद आ रही है, दिल्ली में एक अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन का सम्मेलन था, सांस्कृतिक संबंध परिषद में,
वहां पर मॉरिशस के आए हुए थे उच्चायोग। तो हमारे भाषा में अंग्रेजी के शब्द बहुत आ गए हैं, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं मॉरिशस से यहाँ हिंदी सीखने, हिंदी प्रयोग करने आया हूँ, या भारतवंशियों को मैं हिंदी सिखाने के लिए आया हूँ। अर्थात वो आज तक भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय परंपराओं के लिए, भारतीय रीति नीति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए इतने समर्पित हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। बुढ़िया, तो उसी बुढ़िया पर्वत की बात है। बुढ़िया पर्वत सुनो, ग्रीष्म के सूरज को मुंह में लिए लाखों अभिशप्तों के क्रंदन के साथ देश के गद्दार पहली सुनो, इससे पहले कि मोम की तरह तुम पिघल जाओ। बुढ़िया पर्वत वहां मॉरिशस की अस्मिता का या पहचान का प्रतीक है, तो उसी से संबोधित कर रहे हैं गुस्से में। तुम पिघल जाओ, तोड़ दो अपने मौन व्रत को, अपनी जड़ता को, अपने छिपे छिपाए अवसरवादियों के हृदयहीन वक्ष को सामने कर दो, नहीं तो खुद पिघल जाओगे क्रोधित नेत्रों के अग्नि बाणों से। अभिमन्यु अनंत में बहुत गुस्सा था, लाल पसीना जो लिखा है वो उसमें वही उन्होंने व्यक्त किया है कि हमारा पसीना पसीना नहीं था, हमारा पसीना रक्त था, जिस रक्त से सींच करके हमने मॉरिशस की जमीन को हरा भरा बनाया है, उपजाऊ बनाया है। वहां पर गन्ने की खेती बहुत होती है, जो लोग जानकार हैं हमने से बहुत सारे। तो इस प्रकार से ये क्रोध भी उनका सामने आता है, लेकिन और अस्मिता को बचाए रखने जब संकट आता है तो कवि के हृदय से चुनौती का भी भाव निकलता है, चुनौती का भी भाव निकलता है, और वो है हमारे धर्मानंद भंटू, जो कि मॉरिशस के कवि हैं। उसने एक कविता लिखी, मैं अकेला अनेक हूं, शीर्षक में ही ध्वनित है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी शक्ति अपरंपार है, असीम है, हम अनेक लोग हैं जो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए तत्पर है। मैं तुम्हारे पथ पर क्यों चलूं? मॉरिशस में क्रियोली बहुत हैं, और क्रियोली एक प्रकार से आदिवासी हैं, जो मेडागास्कर से लाए हुए दास थे, उनसे वहां खेती कराई जाती थी। लेकिन जब भारतवंशियों को वहां ले जाया गया राजनीतिक कारणों से, जिनका सभी का उल्लेख करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए वो कहने लगे, तो उनके प्रकोप से प्रेरित होकर के कहने लगा, मैं तुम्हारे पथ पर क्यों चलूं? भयभीत परावलंबी बहुसंख्य अनुगामी तुम्हारे साथ है, मैं अकेला सही लेकिन निर्भीक स्वावलंबी, स्वत्व की रक्षा और वैचारिक स्वतंत्रता मेरे आदर्श है। तो अपनी अस्मिता के तत्वों को, आयामों को, स्वरूपों को एकदम भारतीय कवि वहां पर कह रहे हैं कि मैं, लेकिन कितना भी तुम बढ़ जाओ, कितना भी अपने आप को महान मानने लगो, लेकिन मैं तुम्हारा अनुगमन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार की चुनौती देने का साहस भी उनमें देखने को मिलता है। एक कवि हैं जो अपने अभिलाषा कुछ व्यक्त करते हैं, पूजानंद नेमा। पूजानंद नेमा ने एक लंबी कविता लिखी है, और बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरे आप्रवासी जीवन का इतिहास हमारे सामने रख दिया। मैं पूरी कविता तो सुना करके आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मुलाकात एक भारतीय से, देखिए कैसे कैसे भाव उन लोगों में जागते हैं, कैसे कैसे भाव जन्म लेते हैं। मुलाकात एक भारतीय से, कभी हमने अपना घर छोड़ा था, कभी हमने अपना घर छोड़ा था, अपनों से बिछड़ने का दुख झेला था, सदियों तक न किसी की न किसी का आना जाना हुआ था, न कुशल मंगल की कोई बात हुई थी। मुद्दत बात आज जन्म महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं, अर्थात विश्व हिंदी सम्मेलन या उससे पहले जब भारतीयों का मॉरिशस आना जाना हुआ, तो उस क्षण की बात को याद कर रहे हैं। मुद्दत बात आज जब हम आपसे गले मिले हैं, तो गोया कब के बिछड़े भाई बंध ही मिले हैं, और अपने बेकद्र हृदय को अपनी धड़कन मिली है, बेकद्र हृदय को अपनी धड़कन मिली है। वहां उपेक्षा के शिकार थे, वहां प्रताड़ना के शिकार थे, वहां के क्रियोली और फ्रेंच और ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ताओं के सामने भारतीयों का थोड़ा सा उपेक्षा और अपमान होता था। तो उसी से भारतवंशी से जब वो मिले, अपनी धड़कन मिल गई है, दो दो बाहों की कसावट से भारत और मॉरिशस के बीच जैसे आत्मीयता का पुल बंधा। समंदर पार की दूरी पल भर में खत्म हो गई, अपनी आंखों में अपनों की ऐसी तस्वीर मिली जैसे सदियों के बिछड़े आज मिल गए हैं, स्वदेश लौटकर बड़ों को हमारा प्रणाम देना। विश्व हिंदी सम्मेलन में जब मिले थे,
तो कवि कहता है, भरतवंशी जो वहां गए होते, भारत के लोग गए होते, स्वदेश लौटकर अपनों को हमारा प्रणाम कहना, छोटों को हमारा प्यार देना, मातृभूमि को हमारी ओर से माथा टेकना, और सबसे कहना बड़ों की यह बात, घाट घाट छान के छारी दुनिया छानी, किंतु गंगा का पानी गंगा में ही गंगा में ही पावनी, अर्थात गंगा के पावन जल में ही पावनी है, और कहीं इस प्रकार की पावनी दिखाई नहीं देती है। मित्रों, इस प्रकार के अभिलाषा वहां पर, जब साहित्य की बात आती है तो भाषा की स्वयमेव बात आती है, और भाषा वहां के उन्होंने भोजपुरी में भी लिखा है, अपनी स्थानीय जो नई विकसित भाषा हुई है, जैसे फिजी में फिजी बात, जिसमें हिंदी और फिजियन का सम्मेलन है, सूरीनाम में सूरीनामी और भारतीय भाषा का जो समन्वय है सर्वनामी, उसकी बात है। तो मॉरिशस में ऐसी मिली जुली भाषा सामने आई है, और वो भाषा कैसे, अर्थात जब भारत की उपेक्षा होती है तो किस प्रकार से वहां का आदमी तिलमिलाता है, बेचैन होता है, मुनिश फणिश मॉरिशस के एक प्राचीन कवि हैं, डॉक्टर मुनीश्वर चिंतामणि, उन्होंने कैसे चुनौती भरे स्वर में, आह्वान भरे स्वर में, चुनौती देने वाली दृष्टि से क्या कहा है, उनकी कविता का नाम है मेरी हिंदी भाषा। उस आदमी से जाकर कहो कि मेरी हिंदी भाषा एक ऐसी खूबसूरत चीज है जिसने मेरी संस्कृति को अब भी बचाए रखा है, मेरी हिंदी भाषा ऐसी खूबसूरत चीज है जिसने मेरी पहचान को अब भी बनाए रखा है। आगे कहते हैं बीच का थोड़ा सा अंतराल के बाद, उस आदमी से जाकर कहो, ये तो मैं सामान्य शब्दों में पढ़ रहा हूँ, सामान्य शैली में पढ़ रहा हूँ, सामान्य टोन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें कितना आक्रोश था, कितनी मुट्ठी भींचते थे उसकी जरूरत। ये कहता था कि उस आदमी से जाकर कहो कि मेरी हिंदी भाषा की महानता का वह अभिनंदन करे, केवल मैं नहीं, उसका अभिनंदन करे।